टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का, का प्यार भरा नमस्कार इस नए मिलेनियम की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमने सोचा इस नए मिलेनियम में कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको बताई जाएँ तो आज का ये मिलेनियम स्पेशल आप देख रहे हैं और इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कुछ हेल्दी और टेस्टी डिशेस वैसे तो हमेशा ही बताता हूं लेकिन आज ये जो रेसिपीज़ हैं मैं अपनी नई किताब ख़जाना ऑफ हेल्दी टेस्टी रेसिपीज में से पहले आपको बता रहा हूं ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बुक आने से पहले ही इन रेसिपीज़ को देख सकें तो शुरुआत करते हैं एक हेल्दी टेस्टी सूप से ब्रोकली एंड टोस्टेड आमंद सूप से इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम ब्रोकली, एक मीडियम साइज का प्याज चार लहसुन के क्लब्स, थोड़ी सी सेलरी चार कप पानी या स्टॉक एक कप स्किम्ड मिल्क नमक स्वादानुसार वाइट पेपर पाउडर आधा छोटा चम्मच और 10 से 12 बादाम जब मैं अपनी हेल्दी टेस्टी रेसिपीज़ की बुक लिख रहा था तो मैंने एक छोटा सा सर्वे किया लोगों से पूछना शुरू किया कि हेल्दी टेस्टी बुक के अंदर कैसी रेसिपीज़ आनी चाहिए तो लोगों ने कहा कि इसके अंदर लो कैलोरी रेसिपीज़ होनी चाहिए ज़्यादातर लोगों ने यह कहा कि लो कैलोरी रेसिपीज़ हेल्दी रेसिपीज़ होती हैं मेरे विचार में यह ठीक नहीं है मेरे विचार में हेल्दी रेसिपीज़ वो होती हैं जो हर तरह से संपूर्ण हो न्यूट्रिशन उसमें भरा हुआ होना चाहिए और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उसमें कैलोरीज कम होनी चाहिए वो सिर्फ़ एक पार्ट है लेकिन शायद हमारे यहाँ पर लोग ज़्यादा खाना खाते हैं बिल्कुल एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं शायद इसीलिए लो कैलोरी डाइट की तरफ भागते हैं खैर इस बुक में मैंने ध्यान दिया है कि कैलोरीज भी कम हो और उसके साथ साथ और न्यूट्रिशन भी पूरा मिले टेस्ट पैरामाउंट है यानी टेस्ट हर डिश के अंदर ज़्यादा होना चाहिए कोई भी हेल्दी फूड अगर आप उसके अंदर टेस्ट नहीं दे पाएंगे तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा आप वो रेसिपी बनाएंगे नहीं जैसे ये ब्रोकली से बना हुआ सूप इसमें हमने ब्रोकली काफ़ी हेल्दी होती है इसके साथ हमने टेस्ट दिया है आमंड्स का टेस्ट इसमें दिया है और आप देखेंगे कि किस तरह से इसमें जो कैलोरीज हैं वो हमने कम रखी हैं शुरुआत करते हैं इसको बनाने से देखिए मैं सूप स्टार्ट कर रहा हूं इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालूंगा पानी ले लेते हैं हम और इसके बाद इसमें डालें सैलरी यदि आपको सैलरी नहीं मिले तो सैलरी के बिना भी सूप को आप बना सकते हैं इसके साथ इसमें गार्लिक और प्याज अभी शायद आपको देखने में सूप ऐसा लग रहा होगा कि शायद टेस्टी नहीं बनेगा लेकिन जैसे जैसे ये सूप बनता जाएगा आप देखेंगे ये सूप दिखने में अच्छा है पीने में अच्छा है हेल्दी है और टेस्टी है जैसे ये पानी उबलना शुरू होगा उसके बाद इसमें हम ब्रोकली डालेंगे ये जो ब्रोकली आप देख रहे हैं ये गोभी जैसे दिखने में लगती है डार्क कलर की है और शायद गोभी से थोड़ी सी ज़्यादा न्यूट्रिशियस है वो इसलिए क्योंकि हरा जो रंग है उसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी और सारी चीज़ें हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे जैसे सूप बनता है इसकी और क्या क्या न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ हैं वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा अब ये जो पानी हमने डाला है ये उबलना शुरू हो गया है अब चाहें तो इस सूप को वेजिटेबल स्टॉक के साथ भी बना सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर पानी लिया है आप इस प्याज और जो सेलरी हमने लिया गार्लिक लिया है इसको वेजिटेबल स्टॉक के अंदर भी बॉयल कर सकते हैं और उसके बाद इसमें डालें ब्रोकली ये जो ब्रोकली है इसको पकने में बिल्कुल समय नहीं लगता पानी में डलते ही ये जो ब्रोकली है उसका रंग काफी बढ़िया हो जाता है देखिए कितना अच्छा हरा रंग हो गया इसका और इसे हमने बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है करीब तीन चार मिनट तक सिर्फ इसे हम पकाएंगे ताकि जो ब्रोकली है वो थोड़ी सी गल जाए ये जो सूप है इसको हम प्यूरे करेंगे तो इसलिए थोड़ी सी कच्ची भी रह जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन इसका जो रंग है वो इसी तरह से हरा रंग रहना चाहिए अब ये जो ब्रोकली है ये पूरी तरह से पक चुकी है अभी हमें इसे पीसना है लेकिन इस तरह से नहीं थोड़ा ठंडा करने के बाद ये देखिए यहाँ पे जो ब्रोकली है इसी तरह से हमने पका के रखी है और ठंडी भी की हुई है अब इसे हम प्यूरे करेंगे जैसे मैंने आपको बताया इसमें हमने बिल्कुल भी तेल नहीं डाला है अब ये जो ब्रोकली है इसे हमने प्यूरे कर लिया है एक बार फिर इसे हम गर्म कर लेते हैं देखिए कितना अच्छा रंग आया इस ब्रोकली का ये जो ब्रोकली है इसे आप बहुत ज़्यादा देर तक पकाएं नहीं क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा पकाएंगे तो इसका रंग चला जाएगा अब इसमें डालें नमक और वाइट पेपर पाउडर यदि आप इस सूप को थोड़ा सा तीखा पीना चाहते हैं तो इसमें एक हरी मिर्च डाल लें लेकिन अभी नहीं उस समय जब आपने ब्रोकली प्याज और गार्लिक को पकाया था पानी के अंदर उस समय एक हरी मिर्च डालें सीजनिंग डालने के बाद जब तक ये सूप थोड़ा गर्म होता है ये जो बादाम है आमंड हैं इसको हम रोस्ट कर लेते हैं ये जो आमंडस हैं इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे हम अब देखिए ये जो सूप है इतना बढ़िया रंग है इसका अब इसमें हम डालेंगे दूध क्योंकि हम लो कैलोरीज की बात कर रहे हैं तो इसमें आप स्किम्ड मिल्क डालें यानी ऐसा दूध जिसका फैट कंटेंट काफी कम है तीन परसेंट से भी कम एक कप दूध इसे मिक्स कर लें और अब इसे थोड़ा सा गर्म होने दें ये जो बादाम है ये हमने रोस्ट कर लिए ड्राई रोस्ट कर लिए अब इसे हम काट लेंगे इसे लंबा लंबा आप काट लें ये जो ब्रोकली है मैं आपको बता रहा था कि न्यूट्रिशन इसमें काफ़ी हाई होता है ये विटामिन ए में काफ़ी रिच है इसमें विटामिन सी की भी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है फास्फोरस, आयरन ये सारी चीज़ें इसके अंदर काफ़ी मात्रा में है जैसा कि मैंने पहले आपको बताया शायद गोभी की तुलना में जो ब्रोकली है उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती हैं जैसे गोभी और जो ब्रोकली है उसके साथ में जो पत्ते लगे हुए होते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन है वो उसके फूल से कहीं ज़्यादा होता है तो हो सके तो आप उसका भी इस्तेमाल करें खाने में खैर अभी तो हम ये सूप देखते हैं ये सूप दिखने में इतना बढ़िया है काफ़ी टेस्टी है एकदम फ्रेश सूप है और अब इसमें हम डालेंगे आमंड्स ये आमंड जिनको हमने टोस्ट किया था और लीजिए ये तैयार हो गया एकदम बढ़िया सूप इतना हेल्दी है टेस्टी है दिखने में बढ़िया है आपको जरूर पसंद आएगा और इस नए मिलेनियम में आप लोग बढ़िया खाना खाएं हेल्दी खाएं और साथ साथ टेस्ट को ना भूलें इसके लिए आप एक पैन में पानी लेकर इसमें बारीक कटी सैलरी बारीक कटा लहसन और बारीक कटी प्याज डालकर इसे थोड़ा पकाएं। इसके बाद इसमें ब्रकली के पीसेस डालकर करीब चार मिनट तक पकाए और इसे ठंडा करके मिक्सी में पीस लें इसके बाद इस प्योरी को एक पैन में डाले और इसमें नमक और व्हाइट पेपर पाउडर डालकर मिलाए इसके साथ इसमें दूध को डालकर इसे मिक्स करें और जब ये उबलने लगे तब इसमें ड्राई रोस्ट किए हुए कटे बादाम डालकर इसे सर्व करें आज जो मैं आपको रेसिपीज़ बता रहा हूँ वो मेरी नई बुक ख़जाना ऑफ हेल्दी टेस्टी रेसिपीज़ में से है जो मैं आपके लिए सबसे पहले लेके आया हूँ यानी खाना खजाना के जितने व्यूअर्स होते हैं उनको कुछ हमेशा स्पेशल मिलना चाहिए यानी जितनी नई रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आप सबके लिए तो अब देखते हैं कंट्री स्टाइल चिकन स्ट्यू इसके लिए हमें चाहिए आधा मीडियम साइज़ का चिकन एक मीडियम साइज़ आलू एक मीडियम साइज़ गाजर गोभी के तीन से चार मीडियम साइज फ्लोरेट्स एक मीडियम साइज टर्निप यानी शलगम छः से आठ फ्रेंच बीन्स छः से आठ छोटे स्प्रिंग अनियन यानी हरे प्याज छः से आठ क्लब्स लहसुन की दो तेज पत्ते छः से आठ पासले के स्प्रिग्स छोटे थोड़ी सी सेलरी आधा छोटा चम्मच ड्राइड थाइम एक छोटा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई चार बड़े चम्मच आटा नमक स्वादानुसार और एक बड़ा चम्मच तेल कंट्री स्टाइल चिकन स्टू के लिए जो चिकन हमें लेना है ब्रॉयलर चिकन आप ले लें और इसको बहुत ज़्यादा बड़े पीसीज में नहीं काटना ये चिकन हड्डी के साथ है और इसके साथ साथ जितनी सब्जियां हैं उसे भी हमने काटना है जैसे आलू आलू को छील कर आप बड़े टुकड़ों में काट लें फ्रेंच बीन्स उसे भी करीब एक इंच जितने पीसेस में काट लें गाजर को भी छील कर आप उसके टुकड़े काट लें इसमें हम शलगम भी डालेंगे शलगम हमने लिए सर्दियों में शलगम मिलती है अगर आप इस डिश को गर्मियों में बना रहे हैं तो आप इसको बिना शलगम के भी बना सकते हैं इसके साथ इसमें हम डालेंगे स्प्रिंग अनियन, यानी हरा प्याज इसको हम पूरा ही इसी तरह से डालेंगे इसलिए जो प्याज है जो स्प्रिंग अनियन है वो छोटे साइज का होना चाहिए ये जितनी सब्जियां हैं इसको पहले से काट कर आप तैयार रखें और जितनी सब्जियां हैं उसे आप धोने के बाद काटें पहले नहीं कुछ लोग ऐसा करते हैं जो पहले सब्जियां काट लेते हैं उसके बाद धोते हैं जैसा मैंने पिछली रेसिपी में भी बताया था कि धोने से उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं अब इसकी बाकी तैयारी करते हैं पैन में तेल ले लें और जब तेल गर्म हो जाए तब आप इसमें डालें सेलरी और गार्लिक ये दोनों चीज़ों को हमने हल्का सा सौते करना है और अब इसमें हम डालेंगे होल मील फार यानी आटा वैसे जब भी कोई वाइट सॉस बनती है या ऐसी कोई भी चीज़ें बनती हैं जैसे ये स्टू भी उसमें मैदे का इस्तेमाल होता है लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे आटे का क्योंकि हेल्दी चीज़ों में रिफाइंड चीज़ें बहुत नीचे आती हैं तो इसलिए आटे का हम इस्तेमाल करेंगे ये जो आटा है इसे हमने भूनना है आप देख रहे हैं इसमें हमने जो तेल की मात्रा है वो बहुत कम ली है इसलिए आप इसको चलाते रहें ये आटा जलना नहीं चाहिए अब ये आटा भून चुका है इसमें अब हम डालेंगे चिकन आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने जो आटा लिया था उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा ली थी क्योंकि मैदे के मुकाबले जो आटा है उसमें थिकनिंग थोड़ी कम होती है जब आप इसको भून रहे हो तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करते रहें चलाते रहें ताकि जो चिकन है वो भी ना जले और जो आटा है वो भी कहीं लग के जलना नहीं चाहिए आप देख रहे हैं जो चिकन है थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गया है और अब इसमें हम वेजिटेबल्स डालेंगे जैसे आलू गाजर शलगम यानी टर्निप्स कॉलीफ्लावर फ्रेंच बीन्स और स्प्रिंग अनियन ये देखिए प्याज इसी तरह से हमने पूरे डालने यदि आपके पास छोटे प्याज नहीं हो तो आप उसको आधा या क्वार्टर करके इसके अंदर डाल सकते हैं इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करना है और इसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें अब देखिए जो आटा हमने भूना था उसकी वजह से ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है अब इसे हम सीजन करेंगे इसमें डालेंगे नमक और पेपर पाउडर ये जो पेपर पाउडर है काली मिर्च हमने ली है उसको क्रश किया है क्रश्ड काली मिर्च और पहले हमने फ्लेवर के लिए इसमें सेलरी डाली थी कुछ हर्ब्स डालते थे इसमें डालें थाइम और इसके साथ इसमें डालें कुछ पासले की पत्तियां और इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं ताकि ये जितने फ्लेवर्स हैं वो मिक्स हो जाएं। अब देख रहे हैं ये जो डिश बन रही है कितनी बढ़िया बन रही है सब चीज़ें इसमें इकट्ठी पकेंगी इसीलिए इसको कंट्री स्टाइल चिकन स्ट्यू का नाम दिया गया है इसके बाद इसके ऊपर आप ढक्कन लगा दें इसमें हमने ढक्कन तो लगा दिया है लेकिन एक चीज मैंने इसमें नहीं डाली है वो है तेज पत्ता तेज पत्ते से अच्छा फ्लेवर आएगा तो तेज पत्ता भी डालकर अब इसमें हम ढक्कन लगाते हैं और इसको पकने देते हैं अभी इसको पकने में समय है तब तक इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं इसमें हमने बहुत सारे टेस्ट डाले हैं बहुत सारी हेल्थ इसके अंदर है तो देखते हैं क्या क्या इसके अंदर हमने डाला है इसमें हमने चिकन डाला है काफी हेल्दी माना जाता है क्योंकि प्रोटीन में काफ़ी हाई होता है चिकन एक बात ध्यान देने वाली है कि चिकन में फैट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि उसका जो फैट होता है वो मैक्सिमम होता है चिकन की स्किन में और हिंदुस्तान में हम ज़्यादातर जो डिशेस बनाते हैं उसमें से उसकी स्किन निकाल देते हैं तो उसका जो फैट है वो भी निकल जाता है और इस डिश में हमने डाली है काफ़ी सारी वेजिटेबल्स जैसे गाजर डाली है वाइटमिन ए में काफ़ी रिच होती है इसमें शलगम हमने डाली है गोभी डाली है और स्प्रिंग अनियन वैसे स्प्रिंग अनियन में भी काफ़ी अच्छायाँ होती हैं इसकी जो हरी पत्तियाँ होती हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं इसलिए इसमें इस डिश में हमने हरे प्याज इस्तेमाल किए हैं उसके जो हरी पत्तियाँ हैं उसको फेंके नहीं उसका भी आप इस्तेमाल करें खाने में जब भी आप खाना बनाएं तो आप इस तरह से खाना बनाएं कि उसके जितने न्यूट्रिय हैं उसको आप किस तरह से बचा सकते हैं और कैसे आप बचा सकते हैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेके जैसे आप कार्यक्रम देखते हैं उसमें हमारी बातें सुनते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से बचाई जा सकती हैं कैसे हम अच्छा खाना बना सकते हैं या किताबें पढ़ के आपको पता चलता है या कभी कुछ और शोज़ देख के या किसी लोगों से मिल डॉक्टर से मिल अपने दोस्तों से मिल खाने के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी आपको मिले उतना अच्छा है उसके साथ साथ एक बात बहुत ज़रूरी है कि खाने का आपको पता चल गया लेकिन आपकी बॉडी को क्या चाहिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा नहीं है कि सब लोगों को जो खाना है एक जैसा ही चाहिए होता है आपका जैसा शरीर है उसके हिसाब से आपको खाना खाना चाहिए इसीलिए आपने देखा होगा कुछ लोग हैं कि बहुत सारी मात्रा में खाना खाते हैं और उनका वजन ही नहीं बढ़ता है क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिज़्म है वो ऐसा है कि वो जितना भी खाएं उनको बच जाता है इसलिए आप सबसे पहले अपना मेटाबॉलिज्म देखें अपना शरीर देखें कि आपको किस तरह का खाना आपके शरीर के लिए अच्छा है और उसी तरह का खाना आप हमेशा खाएं। लेकिन जैसा भी आप खाना खाएं, प्यार के साथ खाएं, एकदम हेल्दी होना चाहिए टेस्टी होना चाहिए तभी मज़ा आएगा इस नए मिलेनियम में खाना खजाना देखने का और इसकी रेसिपीज़ ट्राई करने का इतनी बातें करी हैं तो अब तक ये जो स्ट्यू है तैयार हो जाना चाहिए ये जो चिकन की डिश है कंट्री स्टाइल चिकन स्ट्यू काफ़ी बड़ा पोर्शन है चार पोर्शन के लिए काफ़ी सारी क्वांटिटी है लेकिन घबराइए नहीं आप इसको कंप्लीट मील के रूप में भी खा सकते हैं इसमें चिकन है वेजिटेबल्स हैं काफ़ी फाइबर है इस डिश के अंदर तो आप इसको कंप्लीट मील के रूप में भी खा सकते हैं और घबराइए नहीं एक सर्विंग में सिर्फ 200 कैलोरीज हैं वैसे पूरे एक दिन में एक नॉर्मल इंसान डेढ़ से दो कैलोरीज कंज्यूम करता है यानी पूरे खाने में डेढ़ से दो कैलोरीज ये डिपेंड करता है कि आपकी फिज़िकल एक्टिविटी कितनी है आप सारे काम बैठ के करते हैं या कुछ थोड़ा सा पैदल भी चलते हैं थोड़ा घूमते हैं सुबह जल्दी उठते हैं शाम को वॉक पे जाते हैं या थोड़ा कुछ खेलते हैं या बीच पे जाते हैं या बच्चों को कहीं घुमाने लेके जाते हैं या ऑफिस जाने के लिए सिर्फ कार का इस्तेमाल करते हैं जहाँ भी कहीं सीढ़ियाँ देखते हैं तो लिफ्ट ढूंढते हैं यदि ऐसा है तो अपनी कैलरीज कम करें वैसे मेरे हिसाब से कैलरीज़ कम करने की बजाय यदि हम अपनी एक्टिविटी थोड़ी बढ़ाएंगे तो हमारी जो फिज़िकल वेलबींग है वो ज़्यादा अच्छी होगी हमें जो खाने का मजा है वो थोड़ा और ज्यादा आएगा क्योंकि जब भी हमारी एक्टिविटी कम रहती है हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो भी लो हो जाता है इसलिए हम खाना कम खाते हैं और वजन ज्यादा बढ़ जाता है तो इसलिए थोड़ी एक्टिविटी बढ़ाएं थोड़ी एक्सरसाइज करें और खाने का पूरा मजा लें इन हेल्दी टेस्टी रेसिपीज के साथ इस नए मिलेनियम में इसके लिए आप तेल में बारीक कटी सैलरी और बारीक कटा लहसुन डालकर सौते करें इसके बाद इसमें आटा डालकर इसे भून लें इसके बाद इसमें चिकन के पीसेस को डालकर इसे भुने अब इसमें कटे आलू कटी गाजर कटी शलगम कटी गोभी कटी बीन्स और हरी प्याज डालें और इसे मिक्स करें इसके बाद इसमें पानी डालकर मिलाए और इसमें नमक कुटी काली मिर्च थाइम और पासले की पत्तियाँ डालकर इसे मिलाए और इसमें तेज पत्ता डालकर इसे ढक्कन लगा पकाए और जब सारी सब्जियाँ और चिकन पक जाए तब इसे सर्व करें